स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वेजी व्यंजन में, जहां पर आप मिलकर बनाएंगे 100% टेस्टी और 100% प्योर वेजिटेरियन डिशेस। मुंबई का स्ट्रीट फूड यानी के वड़ा पाव, पाव भाजी, मिसल पाव, सब कुछ पाव के बिना अधूरा है। तो आज हम बनाएंगे घर पे एकदम फ्रेशली बेक्ड होममेड एगलेस लादी पाव। चलो साथ में मिलकर बनाते हैं। पाव बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा और उसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच चीनी और 1 छोटा चम्मच नमक और उसे हम अच्छे से साथ में मिक्स कर लेंगे। जब ये सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1.5 छोटा चम्मच इंस्टेंट ईस्ट। मैंने इंस्टेंट ईस्ट यूज़ की है इसलिए इसे इसमें डायरेक्टली डाल दिया है। इंस्टेंट ईस्ट को इसमें अच्छे से मिक्स करने के बाद हम लेंगे गर्म पानी और उससे हम हमारा डो लगा लेंगे। मैंने यहाँ पे 220 ml गर्म पानी लिया है और उसके साथ ही मैंने आटा लगाना शुरू कर दिया है। जब हमारा आटा जो है वो अच्छे से इकट्ठा हो जाएगा, यानी कि जो सारा पानी डालने के बाद आटा अच्छे से फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ऑलिव ऑयल। हमने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल का यूज़ किया है। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल की जगह बटर या फिर नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल डालने के बाद हम इस आटे को 1 मिनट के लिए अच्छे से गूंथ लेंगे ताकि जो हमारा आटे में तेल अच्छे से मिक्स हो जाए। जब हमारा आटा और तेल अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब आपका जो मिक्सचर है वो आपको काफ़ी स्टिकी लगेगा, पर घबराइएगा नहीं, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा आटा हमें नहीं डालना है। अब हम एक बड़ा सा बोल लेंगे और उसे ग्रीस करके इस आटे को उसमें रख के 1 घंटे के लिए साइड में रख देंगे रेस्ट करने के लिए। इससे जो हमारा ईस्ट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब देखिए 1 घंटे बाद मेरा जो आटा है वो अच्छे से फूल के डबल हो चुका है साइज में। देखिए अब मैं इसे एक बार फिर से पंचर कर लूँगी और फिर इसी बोल में 10 से 15 सेकेंड के लिए उसे नीट कर लूँगी। अब फिर क्या करेंगे, हम एक डस्टिंग नीडिंग प्लेट लेंगे और उसमें थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेंगे और उसमें हम डालेंगे हमारा ये आटा जो पाव का डो है वो, और उसे हम फिर से 1 मिनट के लिए अच्छे से नीड कर लेंगे। आपको अगर आपका डो ज़्यादा स्टिकी लगे तो आप घबराइएगा नहीं, ज़्यादा आटा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत थोड़ा सा आटा यूज़ करके हम इसे इसी तरह से अच्छे से नीड कर लेंगे। देखिए मैंने दोनों हाथ यूज़ करके एक बार आटे को 1 से 1.5 मिनट के लिए नीड कर लिया है। अब मैं इस आटे को 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। आप चाहें तो थोड़े बड़े पाव बनाना चाहें तो 8 में डिवाइड कीजिएगा और अगर आपको छोटे चाहिए तो 12 पाव भी आप इससे बना सकते हैं। मैंने इससे 10 मीडियम पाव बनाए हैं। अब मैं इसी तरह आटे को डिवाइड करके 10 हिस्सों में बांट लूँगी और फिर उससे मैं पाव बनाना शुरू करूँगी। आपको पाव का जो ऊपर का हिस्सा है वो एकदम स्मूथ टेक्सचर चाहिए, तो इस तरह आप पाव बना के तैयार कीजिएगा और एक बेकिंग टिन को ग्रीस करके उसमें हम सारे पाव रख देंगे। आधे घंटे बाद ये पाव डबल होके देखिए फूल के कितने अच्छे बन गए हैं। अब मैं इसके ऊपर चीनी और दूध का मिक्सचर ब्रश कर लूँगी। उससे क्या होगा, हमारा जो पाव है ऊपर से अच्छे ब्राउन हो जाएंगे। इनको ब्रश करने के बाद मैं 220 डिग्रीज पे 20 मिनट के लिए इसको बेक कर लूँगी। देखिए बेक होने के बाद कितना सुंदर ब्राउन कलर आया है ना दोस्तों, और एकदम परफेक्ट लग रहे हैं ना, मार्केट के पाव जैसे। अब हम इस पे क्या करेंगे, एक बार थोड़ा सा ब्रश से बटर भी ब्रश कर देंगे, उससे हमारे पाव में एक सुंदर सा शाइन आ जाएगा। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं अब हमारे पाव, है ना। पर ज़्यादा जल्दी मत कीजिएगा, इसे हाथों हाथ निकाल के खाना शुरू मत कर दीजिएगा। पहले हम इसे कॉटन के कपड़े से ढक के 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब ये खाने के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे। और आप देखिए मेरे पाव जो हैं वो ठंडे होने के बाद कितने सुंदर लग रहे हैं। अब इसी तरह मैं इनको अब धीरे से आपको डिमोल्ड करके दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट हमारे पाव बनके तैयार हुए हैं। मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़, फॉइल वाले जो कंटेनर्स होते हैं उसका यूज़ किया है। आप चाहें तो नॉर्मल टिन भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितने सॉफ्ट हमारे पाव बनके तैयार हुए हैं और कितना परफेक्ट टेक्सचर आया है, और ऊपर से भी देखिए कितना सुंदर कलर आया है क्योंकि हमने इस पर शुगर और मिल्क का मिक्सचर ब्रश किया था। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यमी यमी पाव एंजॉय कीजिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।